बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव दूसरी बार डिप्टी सीएम बन गए हैं। बता दें कि बिहार में जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन से नई सरकार बनाने के लिए भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया है। नीतीश कुमार ने मंगलवार शाम को राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा और इसके बाद उन्होंने आरजेडी कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के सहयोग का पत्र राज्यपाल को सौंपा। मंगलवार और बुधवार को चली इस सियासी सरगर्मी के बीच कई जगहों पर मीडिया के खिलाफ हूटिंग की गई। आज तक और रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों के सामने लोगों ने गोदी मीडिया के नारे लगाए। आज तक की अंजना ओम कश्यप जब बिहार राजभवन के सामने से रिपोर्टिंग कर रही थी तब भीड़ ने उनके सामने गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए। इस वीडियो को आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। पार्टी ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, देश को उदाहरण के साथ यह विज्ञान सिर्फ बिहार ही समझ सकता है, बिहार उड़ती चिड़िया और हल्दी। अंजना ओम कश्यप के अलावा रिपब्लिक टीवी की पत्रकार भी जब राजभवन के सामने से रिपोर्टिंग कर रही थी तब उनको देखकर भी भीड़ ने गोदी मीडिया के नारे लगाए। अंजना के खिलाफ हुई इस हूटिंग के बाद पत्रकार रूबिका लियाकत उनके पक्ष में मैदान में उतर आईं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, वो बिहार की बेटी है, निडर है, सशक्त है, सक्षम है, वो अकेले ही काफ़ी है। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ सैकड़ों की भीड़, एक तरफ संयम है, दूसरी तरफ जहालत की इंतहा। रूबिका के अलावा बीजेपी के कई नेताओं ने आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए इस वीडियो की निंदा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।